और इंडिया मैच हार गया ये वाला। वेलकम टू स्मार्ट स्पीक्स। यार मानना पड़ेगा, यार मानना पड़ेगा जिम्बाब्वे को। क्या क्रिकेट खेली है यार, क्या क्रिकेट खेली है जिम्बाब्वे यार। यू ब्यूटी यार, यू गाइस डिजर्व क्लैपिंग। हालात इतने से हैं कि इंडियन यंगस्टर्स कम अंडर द प्रेशर, और प्रेशर था डेब्यू का, प्रेशर था इंटरनेशनल खेलने का, प्रेशर था सीनियर्स के बगैर जूनियर्स की टीम भेजने का और इस टीम को मैदान में लड़ने का, जहां आपको पता है जिम्बाब्वे ने इंडिया को 102 पे ऑल आउट करके तारीख लिख दी भाई। 116 का टारगेट चेस नहीं हुआ आईपीएल टैलेंट से। हिस्ट्री बन चुकी हुई है, जिम्बाब्वे ने चैंपियंस को हरा दिया है, T20 वर्ल्ड कप के चैंपियंस। जिम्बाब्वे की क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, एक बहुत बड़ा मुकाबला इन्होंने जीता है, जो हमें लग रहा था कि जिम्बाब्वे की टीम कुछ नहीं है। जिम्बाब्वे ने अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज किया, जिम्बाब्वे ने वो करके दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को भी हराया था, पाकिस्तान की तो खैर मेन टीम को हराया था ना इन्होंने। मैं कह रहा था 14 ओवर में इंडिया जीत जाएगा, इंडियन फैंस कह रहे थे 8 ओवर में जीत जाएंगे, 9 ओवर में जीत जाएंगे। अरे भाई ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। देखें यंगस्टर जरूर थे, लेकिन आज शायद उनको पीछे से वो पुशअप करने के लिए विराट कोहली या रोहित शर्मा मौजूद नहीं था। बात कहना चाहूंगा, अब रोहित शर्मा की कॉल जाएगी शुभमन गिल को कि बेटा आपने ये गलती की है, आप ये गलतियां ना करना नेक्स्ट टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे जो शुभमन गिल खेलेगा वो रोहित शर्मा की जो है वो सोच और उसके मुताबिक ही खेलेगा। लेकिन उम्मीद है कि आगे मैचेस में जो है वो तमाम मैचेस जो इंडिया वो विन करेगा, क्योंकि इंडिया ने अब आगे बाकी मैचेस से इस मैच से बहुत कुछ सीखा है और आगे वो बेहतर परफॉर्म करेगा। देखें इंडिया की टीम जो है वो आपको पता है टोटली फ्रेश लड़के थे, और एक मतलब जिम्बाब्वे की टीम जो एक्सपीरियंस प्लेयर सामने थे, सिकंदर अजहर आपको पता है एक अच्छा कैप्टन है। लेकिन नो डाउट, खैर कोई बात नहीं, बच्चे थे, सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अभी ये देखे एक यंग जनरेशन है और इन्होंने परफॉर्म तो अच्छा किया है, लेकिन जीत नहीं पाई, इसके लिए थोड़ा सा दुख है, अफसोस है। मेरे नजदीक यह है कि आप इस सीरीज में ये नहीं कह सकते आप सेट है। इंडिया है अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगा, उनके अंदर ये एबिलिटी है, उनके अंदर बॉलर भी हैं, बैट्समैन भी हैं, जो वो एक स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकते हैं। लेकिन आज शायद उनको पीछे से वो पुशअप करने के लिए विराट कोहली या रोहित शर्मा मौजूद नहीं था। लेकिन नो डाउट, खैर कोई बात नहीं, बच्चे थे, सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अभी ये देखे एक यंग जनरेशन है और इन्होंने परफॉर्म तो अच्छा किया है, लेकिन जीत नहीं पाई, इसके लिए थोड़ा सा दुख है, अफसोस है। लेकिन उम्मीद है कि आगे मैचेस में जो है वो तमाम मैचेस जो इंडिया वो विन करेगा, क्योंकि इंडिया ने अब आगे बाकी मैचेस से इस मैच से बहुत कुछ सीखा है और आगे वो बेहतर परफॉर्म करेगा। कहीं ऐसा तो ना हो इंग्लैंड वाला काम हो, जैसे पहला टेस्ट मैच इंडिया हार गया तो उसके बाद ऐसा इंग्लैंड को धोया कि भाई वो दिखते रह गए, यहाँ पर भी नहीं, चलो व्हाइट वॉश नहीं करते, जिम्बाब्वे को पहला मैच दे देते हैं। यहाँ पे अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, अब रोहित शर्मा की कॉल जाएगी शुभमन गिल को कि बेटा आपने ये गलती की है, आप ये गलतियां ना करना नेक्स्ट टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे जो शुभमन गिल खेलेगा वो रोहित शर्मा की जो है वो सोच और उसके मुताबिक ही खेलेगा और परफॉर्म भी करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आगे बाकी मैचेस में जो है वो शुभमन गिल जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस के साथ मैदान में उतरेगा। यहाँ रिंकू सिंह की बात करें, यहाँ पे हम गायकवाड की बात करें, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल किसी की भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को आज नहीं मिली। यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ सिर्फ एक शुभमन गिल, जो कि अहमदाबाद का शहजादा है, उसने कुछ चंद बॉलों पे यानी कि 31 रन बनाए हैं, या फिर जो है वो सुंदर वाशिंगटन जो है उसने जो है वो थोड़ा स्कोर किया। अदरवाइज मैं क्या कहूंगा, यहाँ पे पूरी की पूरी टीम ने जो है वो एक नील नजर आई है, डेड नजर आई है, इतना बड़ा मार्जिन नहीं था, इतना बड़ा स्कोर नहीं था, 114 यानी कि 116 का टारगेट था। बिल्कुल ऐसे ही मैं वही कहना चाह रहा था कि 115 रन बनाए थे जिम्बाब्वे ने और जिसके अगेंस्ट आपने 116 रन बनाने थे, लेकिन इतना छोटा टारगेट आप चेज, मुझे तो ऐसा लग रहा था अगर हाँ यहाँ टीम इंडिया की कोई जो है वो तेज हिटर और ये जो नंबर वन उनकी टीम मतलब है, अगर बिल्कुल सीनियर को अगर वो मौजूद होते तो मुझे ऐसा लगता है कि यार वो आज बेहतर परफॉर्म करते और वो पूरी की पूरी टीम इंडिया जो है ना वो इन जिम्बाब्वे जैसी टीम को 50 या 60 पे पूरी को ढेर कर सकती थी और इजिली कर सकती। अब सारी मुसीबत, सारी चैलेंजेस, सारी अच्छी क्रिकेट, सारी बुरी क्रिकेट सिर्फ हमसे ही एसोसिएटेड है जहां तक T20 फॉर्मेट की बात है, क्योंकि अब ना कोई सूर्या है ना हार्दिक पांड्या है। चलो विराट और रोहित तो वैसे ही जिम्बाब्वे नहीं टूर करते थे, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि विराट और रोहित की अहमियत आपको एहसास हो गई होगी। देखिए जी, सीनियर्स की अहमियत तो वैसे ही बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये इंडियन क्रिकेट में ही हौसला है कि आप वर्ल्ड कप जीते हुए हों या वर्ल्ड कप जीतना या नहीं जीतने से पहले आप ये डिसाइड कर दें कि हमने फ्यूचर के बारे में सोचना है। तो जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और अपने यंगस्टर्स को आप मौका देते हैं, सारे डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को आप एक स्टेज देते हैं कि गो एंड शाइन एंड गो एंड मेक अ मार्क फॉर योरसेल्फ, तो फिर ऐसे हार्ट अटैक और हार्ट ब्रेक्स तो होते ही होते हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई हार्ट अटैक किसी को फील हो रहा होगा, कोई हार्ट ब्रेक फील हो रहा होगा, बिकॉज T20 वर्ल्ड कप विक्ट्री इज टू बिग इनफ not to worry on these kind of losses, ये तो part and parcel है। लेकिन well done to Zimbabwean cricket, पहले batting जिस तरह rattle की रवि बिश्नोई और वॉशिंगटन सुंदर ने, 8 ओवर में दोनों ने भाइयों ने मिलकर 25 रन दिए और 6 विकेट अपने नाम की, उसके बाद ऐसा लगता नहीं था कि जिम्बाब्वे बॉलिंग यहाँ निकल कर आएगी। और बड़ा वो IPL का टैलेंट जो IPL में 250 के टारगेट चेस कर रहे थे, 250 रन बना रहे थे 20 ओवर की गेम में,
16-16 गेंदों पर जो है कि 50 बना रहे थे, 19-19 बॉल पे जो है कि 60-60 70-70 रन ठोक रहे थे, वो 102 पे ऑल आउट हो गए। अभी से इन्होंने बता दिया कि विराट कोहली का रिप्लेसमेंट है ही नहीं, विराट कोहली को आउट हो T20 वर्ल्ड क्रिकेट से रिटायरमेंट होते हुए एक हफ्ता भी नहीं गुजरा, IPL टैलेंट ने घुटने टेक दिए कि हमसे भाई ये ना हो पाएगा। जैसे ही 28 पे 4 आउट हुए इंडिया के, विराट कोहली की याद सताने लगी कि इस सिचुएशन में विराट कोहली आके मैच निकाल के चला जाता है, क्या शुभमन गिल ऐसा कर पाएगा? लेकिन शुभमन गिल ने कहा कि मैं तो शुभमन गिल हूँ, मैं विराट कोहली थोड़ी हूँ, लोगों ने मुझे विराट कोहली का रिप्लेसमेंट बनाया है, मैं खुद थोड़ी हुआ हूँ जो है कि विराट कोहली का रिप्लेसमेंट। अच्छा, रियान पराग, अभिषेक शर्मा, इनका डेब्यू था, इनको कह तो कुछ नहीं सकते, लेकिन इन्होंने किया थी। देखें, इंडिया की टीम जो है वो आपको पता है टोटली फ्रेश लड़के थे, और एक मरतबा जिम्बाब्वे की टीम जो एक्सपीरियंस प्लेयर सामने थे, सिकंदर रजा आपको पता है एक अच्छा कैप्टन है, तो मेरा नजदीक ये उनका एक एक्सपीरियंस था। पहला मैच पहले भी इंडिया कहीं ना कहीं सीरीज अगर छोटी टीम में भेजते तो वहाँ हार जाते हैं, लेकिन बाद में जो है उनके प्लेयर कमबैक बड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं। आज भी आपने देखा होगा जिस तरह शुभमन गिल ने भी एक अच्छे खास स्कोर लगाए कैप्टनसी वाली इनिंग के लिए, लेकिन साथ जो है वो नए प्लेयर थे, प्रेशर लेके वो टिक नहीं सके। स्कोर हालांकि इतना नहीं था, बॉलिंग लाइन अपना काम कर गई थी, रवि बिश्नोई ने 4 विकेट लिए, वो अपना काम कर गए थे, वाशिंगटन ने 2 विकेट लिए, और वाशिंगटन जो है बैटिंग में भी काम कर गए, लेकिन वही कह सकते हैं नए लड़के थे, इनमें कोई एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं था, तो ये तो उनकी एक तैयारी थी, एक उनका समझ लो होमवर्क था जो है बिल्ड कर रहे हैं। मजीद नेक्स्ट जो है वो सीरीज, अभी आपको पता है 5 मैच उनके होने हैं, तो मेरे नजदीक ये है कि आप इस सीरीज में ये नहीं कह सकते आप सेट है, इंडिया है अच्छा एक स्ट्रॉन्ग कम बैक करेगा, उनके अंदर ये एबिलिटी है, उनके अंदर बॉलर भी हैं बैट्समैन भी हैं जो वो एक स्ट्रॉन्ग कम बैक कर सकते हैं, तो क्रेडिट जाता है जिम्बाब्वे को कि इंडिया की चाहे छोटी टीम या बड़ी टीम इंडिया को हराना एक बहुत बड़ा एजाज है, उनके पास उन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा, और क्रेडिट जाता है सिकंदर रजा को जिसमें उन्होंने कैप्टनसी की और इंडिया की टीम को जकड़ा उन्होंने। बिल्कुल, आपकी बात से शुभमन गिल की बात करते हैं, पूरी कोशिश उन्होंने आज की, और स्टैंड पर अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में सुंदर वॉशिंगटन ने भी पूरी ट्राई किया कि चले हमें इतना बड़ा टारगेट नहीं मिला है, हमारे पास पूरे चांसेस है, लेकिन रन रेट स्लो था, उसके बाद कह लेंगे प्रेशराइज इजराइल टीम थोड़ी बहुत। हाँ वही ना, स्कोर इतना नहीं था शुरू हमें लगा था ये स्कोर तो जाए इंडिया आराम से 10-12 ओवर में जो चेज कर देगा, लेकिन अर्ली विकेट गिरने की वजह से जो प्रेशर बढ़ता गया, शुभमन गिल टिका रहा, उसने कहा साथ दूंगा, लेकिन साथ जितने भी प्लेयर आते गए वो जो है वो उड़ते गए, मतलब कोई प्लेयर जो लंबी पार्टनरशिप लगा, अगर थोड़ी सी भी पार्टनरशिप 30-35 रन की भी लग जाती तो आराम स्कोर चेज हो सकता। ओए कितना विकेट दिया और इंडिया मैच हार गया, ये वाला 10 विकेट 10 के 10 आउट हो गए भाई साहब, 10 के 10 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, और वाशिंगटन सुंदर हिस्ट्री बन चुकी हुई है, जिम्बाब्वे ने T20 के वर्ल्ड कप के चैंपियंस को हरा दिया है, जिम्बाब्वे ने चैंपियंस को हरा दिया है, हिस्ट्री बन गई है, जिम्बाब्वे ने चैंपियंस को हरा दिया है, जी हाँ उस सिक्के को मार दिया उसने, हिस्ट्री बन चुकी हुई है, जिम्बाब्वे ने चैंपियंस को हरा दिया है, T20 वर्ल्ड कप के चैंपियंस, जिम्बाब्वे की क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए एक बहुत बड़ा मुकाबला इन्होंने जीता है, जो हमें लग रहा था कि जिम्बाब्वे की टीम कुछ नहीं है, नहीं यार इधर मुजरा बानी क्या पूरी जिम्बाब्वे की टीम की तारीफ बनती है कि आप जो भी है भाई साहब जो भी है, आपने कहा था 10 विकेट से जीतेंगे चेस करेंगे, 10 विकेट से चेस करेंगे, किसी ने सोचा तक नहीं था, मैंने कहा था कि 2 विकेट गिरेंगे इंडिया की 8 विकेट से जीतेंगे, किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत टारगेट चेज ही नहीं कर पाएगा, 116 आपने चेस करना और 102 के ऊपर आप ऑल आउट हो रहे, इससे पता चलता है कि भाई जो भी है इंडिया की जो न्यू टीम हारी है, ये जो न्यू टीम बनकर आई है अब भी इसको भी टाइम लगना है, इतने बड़े क्रूशियल मैचेस की प्रेशर वाले मैचेस की टीम नहीं है, और जिम्बाब्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें उनके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि कल को जब हिस्ट्री के अंदर रिपीट होगी, हिस्ट्री के अंदर बातें की जाएंगी, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि इंडिया के कौन से प्लेयर खेल रहे थे, ये नहीं लोग ये कहेंगे कि हमने जिम्बाब्वे ने 2024 के अंदर उस टीम को हराया जो टीम वर्ल्ड कप खेल कर आ रही थी, वर्ल्ड कप जीत कर आ रही थी, कोई ये नहीं कहेगा कि उस टीम में प्लेयर कौन से थे, तो ये स्टैट काउंट होता है, ये इंडिया की प्रॉपर टीम थी, इंडिया ने अपनी हल्की टीम भेजी, बिल्कुल सही भेजी, इंडिया अपनी बेंच स्ट्रेंथ को चेक कर रहा था, लेकिन जिम्बाब्वे ने अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज किया, जिम्बाब्वे ने वो करके दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता, जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को भी हराया था, पाकिस्तान की तो खैर मेन टीम को हराया था ना इन्होंने। वेलकम टू उस्मान स्पीक्स, यार मानना पड़ेगा, यार मानना पड़ेगा जिम्बाब्वे को, क्या क्रिकेट खेली है यार, क्या क्रिकेट खेली है जिम्बाब्वे यार, यू ब्यूटी यार, यू गाइस डिजर्व क्लैपिंग यार, जिस तरह का क्राउड था, जिस पेशन के साथ वो आया हुआ था, जिस तरह से वो अपनी टीम को हर एक बाल पे सपोर्ट कर रहा था यार, मजा आ गया जिम्बाब्वे के क्राउड को देख के, और उनकी टीम ने जिस तरह से इंडियन टीम को हर एक डिपार्टमेंट में चारों हानों चत करके रख दिया भाई,
हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो कप्तानी हो, यार इंडियन यंगस्टर्स के लिए ये बिग वेकअप कॉल है। अवर कॉन्फिडेंट इंडियन यंगस्टर्स के लिए, एरोगेंट इंडियन यंगस्टर्स के लिए, क्लूलेस इंडियन यंगस्टर्स के लिए, आईपीएल की नन्नी मुन्नी परियों के लिए कि भाई ये आईपीएल नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये फ्लैट विकेट्स नहीं है, ये जिम्बाब्वे की विकेट्स हैं। भाई अब फर्क देखा, अब आपको आईपीएल में और इंडिया के अंदर खेलने में और जिम्बाब्वे में, जिम्बाब्वे के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने में कितना फर्क नजर आया। ये यंगस्टर अच्छे यंगस्टर हैं, इनका स्किल लेवल भी है, बट ये जिम्बाब्वे को हरा नहीं पाए। भाई ये जिम्बाब्वे को हरा नहीं पाए, दे लुक लाइक अ कॉन्फिडेंस यंगस्टर। यंगस्टर्स तो कॉन्फिडेंस है ही है, हम फैंस का कॉन्फिडेंस देखो। भाई मैं कह रहा था 14 ओवर में इंडिया जीत जाएगा, इंडियन फैंस कह रहे थे 8 ओवर में जीत जाएंगे, 9 ओवर में जीत जाएंगे। अरे भाई ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये आईपीएल नहीं है। भाई यहां पर अगर आपने परफॉर्मेंस दिखानी है, आपको टेम्परामेंट दिखाना पड़ेगा। इंडियन क्रिकेटर्स में आपको बताऊं, जिम्बाब्वे क्रिकेटर से अच्छे नहीं है, बट लैक ऑफ टेम्परामेंट। हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, जिम्बाब्वे ने इंडिया को पहला मैच ही हरा दिया। 5 श्रृंखला में 0-1 से जिम्बाब्वे आगे हो चुका है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन वर्ल्ड कप खेलने प्लेयर में से कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो वर्ल्ड कप खेल के जिम्बाब्वे गए। सभी प्लेयर नए हैं और उनको एक्सपीरियंस भी नहीं है। यहाँ पर एक दो को छोड़ के कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो बाहर जाके खेला हो, इसलिए यहाँ पर एक दो मैच के लिए संकट हो सकता है इंडिया के लिए, क्योंकि वो पहले बाहर जाके, इंडिया से बाहर जाके नहीं खेला। शुभमन गिल या एक दो को छोड़ के कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं जो बाहर जाके खेला हो। हाँ उन्होंने आईपीएल में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन तो किया था, लेकिन वो बाहर के पिच पर अभी तक इतने अच्छे से नहीं खेल पाए। तो देखते हैं नेक्स्ट मैच में होता क्या है। आप कमेंट करके बताना है क्या इंडिया 1-1 से बराबर कर लेगी या क्या, जरूर कमेंट करके बताना। और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।